पचास 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 रुपए किलो टमाटर आलू ले लो। तू तूफानों से खेल रहा है रवि कुमार। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं। मैं रवि कुमार अपने कच्छे सुखाया करते हैं, बट कैसे? बिकॉज वो जो कच्छा होता है वो होता है आयरन का, लोहे का कच्छा पहनता है हमारा एसोल रवि कुमार। बिग क्लास ओ रेनू मंडल तेरा 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 सुरूर तेरा 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 सुरूर एसोल रवि कुमार एसोल रवि कुमार। हमारी एसोल रवि कुमार की, लेकिन हम बात करेंगे एक्सपोज मूवी की। एक्सपोज मूवी की स्टोरी लाइन क्या थी, कहानी क्या थी, डायलॉग तो एक से बढ़ के एक थे, सारे डायलॉग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी में गाने होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नमूना था जिसके गाने में मूवी था। शुरुआत में ऐसा होता क्या कि एक लड़की छत से गिर जाती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाती है। लोगों के अंदर सस्पेंस रहता है कि आखिर वो सुसाइड है या मर्डर है, और मर्डर है तो किसने किया है। और इसी के दरमियान वीडियो चलती है, मतलब मूवी चलती है। इसमें एक सीन आता है जब सिगरेट पी रहा होता है हमारा एसोल रवि कुमार पुलिस स्टेशन में, तो एक इंस्पेक्टर पूछता है कि आखिर ये बिना जली हुई सिगरेट क्यों पी रहा है। तो इसका जवाब में दूसरा इंस्पेक्टर बताता है कि एसोल रवि कुमार बचपन में जब फूंक रहा था मेरी जलीले जिगर से पिया, तो उसके बाप ने देख लिया था और उसके बाप ने फिर कुछ ऐसा पीला था कि एसोल रवि कुमार के नीचे दर बैठ गया है और वो कभी भी सिगरेट जलाकर नहीं पीता, सिगरेट के साथ रहता है। तो अगर रवि कुमार के बचपन में मुठकरनी करते हुए उसका बाप देख लेता तो हमारा एसोल रवि कुमार ना बांसुरी बजाता, लेकिन धुन बाहर नहीं आती क्योंकि वो नसबंदी करवा चुका होता, डर बैठ गया था ना भाई। दूसरे सीन में होता क्या है कि एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है, दरअसल दो मूवी की शूटिंग एक मूवी के अंदर चल रही होती है। एक मूवी का नाम रहता है उज्जवल रमन शीतल और एक रहता है रीना मेना नाम। और उसमें जब हीरोइन आती है वो पूछती है डायरेक्टर मुझसे करना क्या है, आखिर मूवी में रोल क्या है। तो उसमें डायरेक्टर जवाब देता है ना डायलॉग ना एक्सप्रेशन ना पोज, डांस ना एक्सप्रेशन ना पोज, सिर्फ एक्सपोज। और गंदगी स्टार्ट हो जाती है और एक गाना बजता है शीशे का समंदर पानी की दीवारें, शीशे का समंदर पानी की दीवारें। मैं डायरेक्टर से बोलूंगा बंद कर हवस के मुठियारे। फाइनल हो जाती है, अब हीरो की जरूरत रहती है, तो डायरेक्टर हीरो के लिए हमारे एसोल रवि कुमार के पास जाता है। तो जो रवि कुमार रहता है वो साउथ का बहुत बड़ा स्टार रहता है, वैसे वो भोजपुरी का भी नहीं बन सकता। तो रवि कुमार फिल्म साइन कर लेता है और उस फिल्म का नाम रहता है उज्जवल रमन शीतल। उसके बाद मूवी की ऐसे शूटिंग स्टार्ट होती है और उनके बीच में कुछ अनोखे अनोखे डायलॉग आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये स्क्रिप्ट हमारे एसोल रवि कुमार को दे दी जाती है। तो उसमें रवि कुमार कहता है कि हम रिहर्सल नहीं करते हैं, तो डायरेक्टर पूछता है क्यों, तो रवि कुमार का रिस्पॉन्स रहता है रिहर्सल वो करते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, इसी भरोसे के चक्कर में इस बवासी लेवल की एक्टिंग देखनी पड़ गई हमें। कहता है सेट में आग लग जाती है ओम शांति ओम की तरह, और हमारा एसोल रवि कुमार एक लड़की को बचा कर ले आता है जिसका नाम रहता है चांदनी, और उसको उससे मोहब्बत हो जाती है पहली नजर में, ऐसा जादू, यही सीन हो जाता है। रवि कुमार को प्यार हुआ तो टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह यहाँ पे भी एक गाना स्टार्ट हो जाता है, मेरी आंखों में तुम, ऐसा करके कुछ। उसके बाद जो रहता है शूटिंग खत्म हो जाती है और दूसरी हीरोइन जिसका नाम है रीना वो रवि कुमार के पास आती है और कहती है क्या एक्टिंग करते हो, आग लग गया मेरे अंदर। तो उसमें एसोल रवि कुमार का रिस्पॉन्स रहता है उतनी कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने, कह रहे वाह जी वाह, पता ही नहीं चल रहा कि एडवाइस सनी लियोनी की दी जा रही है या फिर क्या है। कि रीना मेरा नाम हिट हो चुकी है तो उसकी एक सक्सेस पार्टी होती है, उसमें हमारा एसोल रवि कुमार और उज्जवल रमन शीतल के सारे लोग भी आते हैं। तो उसमें एक गाना स्टार्ट हो जाता है आइसक्रीम खाओगे बिस्तर में लंगोट के अलावा कुछ नहीं ले पाओगे तुम हो ना पुंसकिया,
क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है दोनों हीरोइनी में, और ऐसे लड़ रही होती है जैसे एक निब्बी अपने निब्बे के लिए लड़ रही है। बाल नोचा जाता है, चमाट लगाया जाता है। इन सब लड़ाई के बाद क्या होता है कि अब वो गिर जाती है, वो मर जाती है। जो स्टार्टिंग में सीन था वही सीन आ जाता है और सभी लोग कोर्ट में पहुंच, कोर्ट में ये सारी बातचीत चलती है। जज इस टेंशन में रहता है कि आखिर खून हुआ है, मर्डर हुआ है, क्या हुआ है। बीच में बहुत इधर उधर होता है, कभी लगता है इसने खून किया, कभी कहता है उसने खून किया है। लेकिन इन द एंड जो हमारा उज्जवल रमन शीतल का डायरेक्टर था, जिसको एसोल रवि कुमार अपना डायरेक्टर अपना गुरु मानता था ना, उसी पे इल्जाम लग जाता है और वो जेल चला जाता है। हमें लगता है मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक सस्पेंस आता है। पता चलता है कि जो विलन है जिसने खून किया वो तो हमारी चांदनी है, चांदनी ने खून किया है, लेकिन वो तो एसोल रवि कुमार की महबूबा रहती है, इसलिए एसोल रवि कुमार उसे बचा लेता है। पता है वो एक डायलॉग पीलता है, वो डायलॉग क्या था कि तुमने खून किया है उसका, ये मेरी आंखों ने देखा है, याददाश्त ने नहीं। और उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारा एसोल रवि कुमार उस लड़की के साथ, चांदनी के साथ। मेरी आंखों में तुम, मेरी बातों में तुम, ऐसा सीन चलता है। तो मूवी इन द एंड अगर मैं कहूँ तो घचाघच मूवी थी, मूवी ठीक ठाक थी, देख सकते हैं, मजा आ जाएगा। सावधान इंडिया से तो काफ़ी अच्छी थी। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ इसकी सेकंड पार्ट की, जब वो आती है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।